नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कल से आप सभी के जिंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है। जी दोस्तों, कल से आप सभी के जीवनकाल में आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों, वे खुशखबरी मिलने वाली है जिससे आप सभी का आने वाला भविष्य बदल जाएगा। परंतु दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि कल से आपको अपने जीवनकाल में कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान भी रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, न शत्रु आपके पीछे हावी हो सकते हैं, कुछ इस प्रकार हावी हो सकते हैं कि दोस्तों जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपने ही अपने उनकाल में कुछ ऐसे लापरवाही किए हैं जिनके कारण शत्रु आपके ऊपर धीरे धीरे ज़्यादातर हावी हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप आँख मूंद कर जिनके ऊपर भरोसा किए हैं वही धीरे धीरे आपके शत्रु बनते गया है। और दोस्तों, कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें आपको समझना होगा, जिन्हें आपको जानना होगा। अगर आप इन्हें जान जाएंगे तो दोस्तों इस शत्रु से भी आप आसानी से बच जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हम आप सभी को बता दें कि कल से आप सभी के जीवनकाल में एक प्रकार से गंभीर खेल शुरू होने वाले हैं, जहाँ पर आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलने वाली हैं। वहाँ पर आपको कुछ क्षेत्रों में सावधान भी रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों आप सभी को बता दें कि कल से आप सभी का जीवन बिल्कुल ही बदलने वाला साबित होगा। ये 100% हम गारंटी के साथ कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपका जीवन जीना का एक नया रास्ता होगा अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये आपका दायित्व और कर्तव्य होता है कि अब आप जो भी गलतियों की किए हैं उन गलतियों को सुधार लें। और दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों हम ये मान लेंगे कि ये आपके गलती सुधारने का पहला कदम है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों हम बस आपसे यही वादा करते हैं कि आज की बात से आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जी दोस्तों, ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे इन सभी के बारे में। हम आपको अभी सीधे उन सभी के बारे में बात करेंगे जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। उससे पहले अगर आप ईश्वर को सच्चे दिल से मानते हैं, किसी भी ईश्वर को मानते हैं, भगवान भोलेनाथ, माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु जी, जिन्हें भी आप सच्चे मन सच्चे श्रद्धा से मानते हैं, यूँ तो लोग सभी सभी देवी देवताओं के लिए मन में श्रद्धा रखते हैं, लेकिन दोस्तों जो देवता आपके दिल के करीब है दोस्तों, आप उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इससे दोस्तों आपका जो परम देवता है, परम पूज्य देवता, वे आपके कर्मों की एक नई गठन करेंगे, आपके मस्तिष्क में एक नई ही ऊर्जा को देंगे जिनसे आप राहों पर चलेंगे, उस राहों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ये जो बातें हैं ये भक्ति भरा आशा और विश्वास की बातें हैं। अगर आपको ईश्वर पर विश्वास है तो दोस्तों आप कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा अगर आपको ईश्वर पर भरोसा है। कि दोस्तों इस वीडियो में हमेशा आपको ईश्वर से ही जुड़ी कुछ ऐसे उपाय बताते हैं, ईश्वर से ही जुड़ी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें बताते हैं जो कि दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और कारगर साबित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं। हम आप सभी को बता दें कि आपका जो राशि है दोस्तों बहुत ही स्वच्छ राशि है। आपकी राशि के जो माता पिता एक प्रकार से कहें तो दोस्तों कर्मों के दाता जो हैं वो भगवान स्वयं शनिदेव हैं। ये दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपकी राशि के सबसे बड़े कर्म फलदाता ही हैं। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि इस राशि के जितने भी जातक हैं वे अपने परिवार की बहुत ही भलाई चाहते हैं। जी दोस्तों, इनके लिए आप हमेशा प्रयास करते रहते हैं। फिर भी दोस्तों ये जो आपकी राशि है सम्मान में थोड़ा सा कमजोर रहता है, क्यों दोस्तों आप हमेशा दूसरों की इज्जत करते हैं और कहीं ना कहीं लोग आपको ठेस पहुंचा देते हैं, आपकी सम्मान नहीं करते हैं। इस जगह आपको बहुत ही दिल से खुद में दोस्तों ये शक महसूस होता है जिसे लोगों को लगता है कि आपका इस दुनिया में कोई है ही नहीं। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आप अपने कर्तव्य को भली भांति निभाते हैं। दोस्तों आप स्वाभिमानी होते हैं या बुद्धिमानी से आप काम निकलवाना जानते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा भावुक भी हो जाते हैं कभी कभी जब लोग आपकी भावनाओं की कदर ना करता है। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप जो लोग होते हैं वो अच्छे कार्य को बहुत ही ज़्यादा सराहना करते हैं और सभी कार्य को अच्छी तरीके से करना भी जानते हैं। चाहे कोई भी कार्य हो, कितना भी मुश्किल कार्य हो, अगर आप उनमें लग जाते हैं तो दोस्तों वो कार्य कब पूरा हो जाते दोस्तों दूसरा व्यक्ति समझ नहीं पाते। और आप लोग इतना जिद्दी होते हैं कि वो उस कार्य को अगर आपने हाथ में लिए हैं
तो दोस्तों उन्हें पूरा करके ही दम लेते हैं। राजनीति में भी अगर आप भाग लेते हैं तो दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से राजनीति करते हैं। दोस्तों अध्यात्म में आप सभी की रुचि रहती है, यानी कि भगवान के ऊपर भरोसा आपका अटूट रहता है। चाहे लोग आपको कुछ भी कह दे, लेकिन आप खुद से भगवान को कभी भी मिटा नहीं पाएंगे। दोस्तों ये बात आप लिखवा लीजिए। चाहे आप कितना भी कहेंगे कि इस धरती पर भगवान नहीं है, भगवान होते तो हमारे साथ इतनी बुराई नहीं होती। दोस्तों ये सब चीज़ आप बोल लेते हैं किसी के सामने, लेकिन खुद से अपने दिल से आप ईश्वर को नहीं मिटा पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग गुरु का फल बहुत अच्छा प्राप्त करते हैं, सम्मान सभी का करते हैं। लेकिन दोस्तों जब आपकी बारी आती है तो दोस्तों जिनके ऊपर आप ज़्यादा भरोसा करते हैं वो लोग आपके साथ उतना खरा नहीं उतरता है जैसे आप उनके साथ रहते हैं। दोस्तों सहायता का भाव आपके अंदर हमेशा से है। जी दोस्तों, हमेशा आप दूसरों की भला के लिए ही कार्य करते हैं, किसी का बुरा न हो जाए। दोस्तों ये सब भी आप हमेशा कोई भी कार्य करने से पहले सोचते हैं। दोस्तों आप लोग जो होते हैं कभी भी खुद का सम्मान नहीं करते। दोस्तों दूसरों को खुश करने के लिए दोस्तों खुद को आप जोखिम में डाल देते हैं। आप हमेशा अपने परिवार की भलाई के लिए, परिवार को खुश करने के लिए दोस्तों खुद की जो भी आपके अंदर जो भी इच्छाएँ होती है, जो भी आपके अरमान होते हैं दोस्तों उनका गला दबा देते हैं। यानी कि दोस्तों खुद की आप केयर नहीं करते, अपने परिवार वालों की हमेशा से आप केयर करते हैं। उनको खुश करने के लिए आप बहुत ही नीचे तक भी जा सकते हैं दोस्तों, इससे भाव आपके रहता है। यानी कि दोस्तों छोटा सा छोटा भी आप ऐसे कार्य कर सकते हैं जो लोग कह देते अरे तुम कौन से कार्य कर रहे हो, लेकिन दोस्तों आप अपने परिवार के लिए उस कार्य को भी करने के लिए आप तैयार रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप शिव को बता दें कि आपका जो दिल है उन्हें तभी ठेस पहुँचता है जब आपके सोचे हुए सपने कड़ी मेहनत करने के बाद भी पूरे नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि आप कर्मशील इंसान हैं, कर्म पर हमेशा यकीन रहते हैं, लेकिन दोस्तों कभी कभार ऐसी आपके जन्मकाल में घटनाएं हुई है या फिर ऐसी घटनाएं से आप गुजरे हैं जहां पर आपको लगा है कि कोई भी इंसान आपके साथ खड़ा नहीं है, और कुछ ही ऐसे लोग हैं जो आपको परेशान भी करते हैं, जिसका आप हमेशा भला किए हैं वही लोग आपके लिए बुरा साबित हो रहा है, वही आपके काम में अड़चने बन रहे हैं। दोस्तों अगर आप कुछ साल पहले देखेंगे तो दोस्तों आपका जो जीवन था दोस्तों ये अभी की तरह नहीं था। दोस्तों पहले का जीवन आपके लिए बहुत ही अच्छा था, पहले आप अच्छी कमाई कर रहे थे, अच्छी तरीके से धन को अर्जित कर रहे थे, अच्छी तरीके से अपने जीवन यापन कर रहे थे। यानी कि दोस्तों घर परिवार में आपके वे सारी चीज़ें थी जिनसे घर परिवार का माहौल एक खुश तरीके से जी सके। जी दोस्तों ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन दोस्तों पिछले 2 से 3 सालों के दरमियान आप शिव के जुनकाल में काफ़ी सारी परेशानियां एक साथ आ चुका है जिनका आपको सामना भी करना पड़ रहा है। दोस्तों कोई भी कार्य कर रहे हैं या कोई रोजगार है, व्यापार है, उसमें लगातार आपकी अड़चने आती रहती है, कोई परेशानी समाप्त नहीं हो पाती, तो दोस्तों कोई और परेशानी आपके जीवनकाल में आ जाती है। यानी कि दोस्तों जीवनकाल में परेशानियों का आना जाना आपके लगे रहते हैं, कभी आप दोस्तों अच्छे तरीके से खुश नहीं हो पाए हैं। सफलता का मुंह मानो दोस्तों आप शिव के जीवनकाल में पिछले कई समय से आए हैं, खुशियां आपके द्वार से मानो रूट सी गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी आपके जीवनकाल में चीज़ें हो रही है। दोस्तों बार बार अड़चने आना दोस्तों ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दोस्तों जिनके जीवनकाल में अड़चने आती है दोस्तों वही जानता है। भले दोस्तों आपकी एक यह खासियत है कि आप अपने कमजोरी, अपने मुसीबतों को किसी के सामने जाहिर नहीं करते, चाहे दोस्तों आप खुद ही उन्हें सोचकर, उन्हें समझकर, चाहे कितना ही परेशान क्यों न हो जाए। जी दोस्तों, और दोस्तों साथ ही साथ हम आप शिव को बता दें कि ये जो समय है आपको धन की बचत नहीं हो पा रही है, जितना आप मेहनत कर रहे हैं आपके मेहनत का फल उतना नहीं मिल पा रहा है जितना आपको मिलना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों पैसे भी आपके पास टिक नहीं पाते हैं। जी दोस्तों, पैसे आपके जीवनकाल में आते हैं, लेकिन दोस्तों पैसे इधर से आते हैं तो दोस्तों पैसे किसी न किसी रूप में उधर चले जाते हैं। यानी कि दोस्तों विघ्न हो, बाधाएं हो, समस्याएं हो, आपके जीवनकाल में कई प्रकार की ऐसी मुसीबतें आती है जब दोस्तों आपकी जो भी थोड़ी सी कमाई आपने किए हैं दोस्तों वो भी आपके हाथ से चली जाती है। दोस्तों आपके जीवन में लगातार रुकावटें आ रही है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इन सभी का हम आज के इस वीडियो में उपाय बताने वाले हैं।
इसलिए दोस्तों आप सभी को पहले कहे हैं कि आज का ये वीडियो आप सभी के लिए कोई वरदान से कम नहीं है, आप इन्हें अंत तक ध्यान से देखिएगा। जी हाँ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आप सभी के जीवन काल में जो भी परेशानी चल रही है उन सारे परेशानियों से अब मुक्ति पाने का समय आ गया है। जी हाँ दोस्तों, उन सभी के लिए हम आपको उपाय बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो आपके जीवन काल के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि दोस्तों आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि एक वीडियो हमारे जीवन काल में इतने सारे कारगर साबित होंगे, इतने सारे लाभ आपको दिला कर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम देख पा रहे हैं कि आपके जीवन काल में पेशे कभी भी टिके नहीं हैं और पेशे कहीं कई जगह आपके अटके हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, पेशा आपको वापस नहीं आ रहे हैं। जो पेशा आप किसी को उधार दिए हैं दोस्तों, वो पेशा देने में आपको कतराते हैं, यानी कि दोस्तों आप कर्ज देकर फंस गए हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको बता दें कि कर्ज से आप परेशान हो रहे हैं, आपको जिसने कर दिया है दोस्तों वह पैसा वापस लेने के लिए आपको परेशान भी कर रहा है। दोस्तों हम आप सबको बता दें कि यश में जितना समस्या है उन सभी का कारण क्या है, आखिर क्यों ये किस्मत आपको रुला रही है, आखिर क्यों समय आपको रुला रही है, कौन कौन सी गलती करते हैं। दोस्तों साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि बनते बनते कार्य भी आखिर में बिगड़ जाते हैं। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कोई समस्या नहीं होती फिर भी आप परेशान होते हैं, यानी कि दोस्तों सब कुछ होने के बाद भी आप सोचकर परेशान हो जाते हैं। वैसे तो दोस्तों आपके कर्म ही आपके अच्छी बुरी किस्मत के जिम्मेदार होते हैं, ऐसे काम भी होते हैं जिससे आपकी किस्मत आपसे रूठ जाती है। जब किस्मत किसी से रूठ जाती है तो दोस्तों राजा को भी भीख मंगा बना देती है। जी दोस्तों, राजा को भी रंक बना देता है। इसलिए दोस्तों कर्म जरूर करें, इसलिए दोस्तों इस बातों को आप बिल्कुल ही ध्यान में रखें। दोस्तों आप सभी को बता दी कि दोस्तों आप अपने घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तन को बिल्कुल ना रखें। जी दोस्तों, जो भी आपके घर में ऐसे बर्तन होते हैं दोस्तों उन्हें तुरंत ही आपको घर से बाहर निकाल कर फेंक देना है। दोस्तों कहा जाता है कि इससे जीवन में दुर्भाग्य आ जाता है। जिनका भी अच्छा स्वभाव होता है, अच्छा कर्म होता है, लेकिन दोस्तों कुछ बुरे कार्य की वजह से जो सौभाग्य होता है वह दुर्भाग्य में बदल जाता है। और दोस्तों उनका पहला जो कारण है यही है कि टूटे बर्तन का घर में होना। दोस्तों जो भी आपके घर में ऐसे टूटे बर्तन है या फिर फटे फोटो है किसी, जो दोस्तों कोई भी वस्तु आपके घर में टूटा फूटा हो तो दोस्तों उन्हें तुरंत ही घर से बाहर कर दे। घर में ऐसा कोई घड़ी है जो दोस्तों पिछले कई समय से बंद पड़े हैं तो दोस्तों उस घड़ी को भी आपको घर से बाहर फेंक देना है। दोस्तों अगर आपके घर में घड़ी जो समय है वो ही रुक गया है तो दोस्तों इससे आपकी किस्मत की जो भी तरक्की है वो रुक जाती है। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र की माने तो दोस्तों तुरंत ही इन सभी चीज़ों को घर से बाहर फेंक देना चाहिए, इससे व्यक्ति का सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है, चलती किस्मत भी रुक जाती है अगर आपके घर में बंद घड़ी है तो। दोस्तों आज से ही इन चीज़ों को आपको घर से बाहर निकाल कर फेंक देना है, इन्हीं से ही आपके सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है और इन्हीं से किस्मत आपको समय आपको रुलाती रहती है। घर में रखने से इन सभी चीज़ों का नकारात्मक असर पड़ता है और माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी वास नहीं करती। दोस्तों काफ़ी दिक्कतें होती रहती है। दोस्तों इस बात का आपको बस ध्यान देना होगा। जी हाँ दोस्तों, ध्यान देना है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि दूसरी जो बात है दोस्तों, खराब हुए वस्त्र। जी दोस्तों, अगर आप खराब हुए वस्त्र किसी भी इंसान को दान करते हैं, चाहे दोस्तों वह इंसान कोई असहयोग है या फिर कोई इंसान ऐसे हैं जो आपके घर में भिक्षा लेने के लिए आए हैं, कोई गरीब मजदूर ऐसे असहाय व्यक्ति है जिनको आप दान कर रहे हैं, तो दोस्तों भूल कर भी खराब वस्त्र का दान मत कीजिएगा। खराब वस्त्र का दान अगर आप करते हैं तो दोस्तों आप किसी और के घर में दुर्भाग्य को भेज रहे हैं और दोस्तों ईश्वर ये चीज़ को कहीं ना कहीं जरूर ही देखता है और उनके दुर्भाग्य को आपके घर में वो व्यक्ति छोड़ कर चला जाता है। इसलिए दोस्तों कभी भी खराब चीज़ों का दान आपको नहीं करना है, खराब वस्त्र ही नहीं, खराब कोई भी वस्तु दोस्तों जो कि टूटे फूटे हो, खराब चप्पल ही हो, टूटे चप्पल हो या फिर कोई ऐसे कोई भी चीज़ों का आप दान करें, दोस्तों ध्यान रहे दोस्तों वो चीज़ बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। अगर आप दान नहीं करते हैं तो दोस्तों कोई बात नहीं है, लेकिन दोस्तों टूटी चीज़ों का भी आपको दान नहीं करना है, इससे भी आपकी जो सौभाग्य है उनमें दुर्भाग्य शुरू हो जाते हैं। जी दोस्तों,
वास्तु शास्त्र के हिसाब से दोस्तों ये सब चीज़ों का दान करना यानी कि दोस्तों अपने घर में आप दुर्भाग्य को प्रवेश करा देती। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों का दान करना अब आपको छोड़ देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि कभी भी किसी चीज़ का अगर आप दान कर रहे हैं तो दोस्तों अपने मन के अंदर गलत मानसा बिल्कुल ही मत रखें। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मत कीजिएगा कि दोस्तों इनको क्या पता होगा। दोस्तों अगर ऐसा ख्याल आपके अंदर आता है, कभी भी आप किसी को ठगने का प्रयास करते हैं दोस्तों, चाहे वो एक भी रुपया हो या फिर 10 रुपया हो, दोस्तों ऐसे आपका जो ख्यालात है इनसे भी आपका जो स्वभाव है, आपके जो अच्छे स्वकर्म हैं दोस्तों, आपके एक ही बुरे कर्म से हुए सारे स्वकर्म खराब हो जाएंगे और आपका सौभाग्य दुर्भाग्य में परिवर्तन होना उसी दिन से शुरू हो जाएगा। और जब भी आप ऐसे गलत मानसा रखकर किसी को भी कोई चीज़ दान भी करते हैं तो दोस्तों उनका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जब भी किसी चीज़ का दान करते हैं तो दोस्तों सच्चे मन से आप उन्हें दान कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने किसी को कोई भी चीज़ का दान किया है बिना गलत मानसा से तो दोस्तों उस चीज़ का आपको पूरा फल मिलेगा। साथ ही साथ कभी भी किसी से मुफ्त में कोई भी चीज़ ना लें। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि कभी भी किसी से कोई चीज़ या सेवाएं को फ्री में नहीं लेने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा अगर आप जो अपने जीवनकाल में कभी भी करते हैं तो दोस्तों इनका बहुत ही बुरा असर आप सभी के घर परिवार पर पड़ता है, आपके किस्मत पर पड़ता है। दोस्तों इसका मूल्य ज़रूर आपको चुकाना चाहिए, वरना दोस्तों ये कर्ज आपके कर्मों में रह जाएगा। क्यों दोस्तों, वो जो व्यक्ति आपको कुछ दिए हैं दोस्तों, उन्होंने आपको जो चीज़ दान किया है दोस्तों बिल्कुल ही सच्चे मन से दान किया, तभी उन्होंने उस चीज़ का त्याग आपको देकर किया है और दोस्तों उनका कर्म अच्छा हो गया। लेकिन आपके पास होते हुए भी अगर आप उन सब चीज़ों को ले लेंगे तो दोस्तों इन्हीं से आप सभी के जीवनकाल में दुर्भाग्य पैदा हो जाएगा। जी दोस्तों, तो दोस्तों आपको ऐसे चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और ऐसे जो कार्य करते हैं उनके जीवनकाल में मात्र 10 से 15 दिन के ही अंतर दुर्भाग्य आने लगती है, काम गलत होने लगते हैं, काम बिगड़ने लगते हैं। जी दोस्तों, इसके लिए कोशिश करें कि गरीबों को आपको भोजन कराना चाहिए। जी दोस्तों, अगर आप ऐसा गलती कभी अपने जीवनकाल में किए हैं तो दोस्तों अभी से आपको कम से कम 18 दिन तक गरीब लोगों की मदद करना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब भी दुर्भाग्य आपके घर में आते हैं तो दोस्तों 18 दिन तक वो पूरे तरह से आपके घर में जो एक प्रकार से कब्जा कर लेते हैं। तो दोस्तों 18 दिन तक आपको बस गरीबों को कुछ ना कुछ, असहायों को कुछ ना कुछ दान पुण्य करना है, साथ ही साथ भोजन भी कराना है। दोस्तों आपके अपनी इच्छा अनुसार आप भोजन करा सकते हैं, साथ ही साथ आपको बता दें कि उत्तम वस्त्र का भी आपको दान करना है। अगर आप ये गलती की है तो दोस्तों आपको ये चीज़ करना ही होगा और किसी से भी कोई भी चीज़ आपको मुफ्त में बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अगर आपको दे भी रहा है तो दोस्तों उसे नहीं लेना है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपसे को बता दें कि अपने किचन में अगर आप कोई भी जूठा बर्तन रखते हैं, टूटा फूटा सामान रखते हैं तो दोस्तों आपके घर में अन्नपूर्णा देवी की वास होता है आपके किचन में, तो दोस्तों आपके घर में कभी भी बरकत नहीं होती है इनसे और माता लक्ष्मी भी नाराज़ हो जाती है। जे तो जो कि धन की देवी माता लक्ष्मी है उनसे नाराज हो जाती है, साथ ही साथ इससे बुद्ध की दिक्कतें आती रहती है। जी दोस्तों, घर में इससे वृद्धि भी रुक जाती है, रोजगार में काफ़ी रुकावटें पैदा होती रहती है। शायद दोस्तों आपको इन सभी बातों को अब ध्यान में रखना होगा। गलत व्यवसाय करने वाले जो भी लोग हैं, जो गलत तरीके से पैसे कमाकर पैसे को अपने घर में ला रहे हैं और अपने घर का जीवन यापन कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको आप सभी को बता दें कि ये आपके लिए आने वाले समय दुर्भाग्य का घंटी बजा रहा है। आपका अभी का समय अच्छा हो सकता है लेकिन दोस्तों आने वाला समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो दोस्तों आप बस इतना प्रयास करें कि समय के साथ खुद में परिवर्तन लाएं और दोस्तों जो भी आपने इन सारी गलतियों को किया है दोस्तों इन्हें दूर करने के लिए दोस्तों आपको बस गरीबों की सहायता करनी है, गरीबों का आपको दुआ लेना है। इससे दोस्तों आपके बहुत सारे जो भी गलतियाँ हैं वह ईश्वर क्षमा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कि कर्म ही प्रधान है दोस्तों, इस युग में अगर आपके अच्छे कर्म हैं तो आपकी उम्र नहीं दोस्तों, आप जो भी कार्य करेंगे उनमें आपको सफलता मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं कि इस उम्र के लोग ही इस कार्य में सफलता की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे गलत भावना कभी किसी के अंदर नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये भी एक प्रकार से बहुत ही एक पर नकारात्मक सोच है। जी हाँ दोस्तों, कभी भी अपने मन के अंदर आपको नकारात्मक
सोच नहीं लाना है। जी तो इसके अलावा गलत सोच जो वाले व्यक्ति जो भी होते हैं घर में दोस्तों किसी भी रिश्ता में कड़वाहट पैदा करते हैं, किसी के यहाँ चुगली करते हैं, किसी के यहाँ दोस्तों मतभेद करवा देते हैं। दोस्तों इनसे आपके जीवन काल में दुर्भाग्य आने की संभावना बढ़ती है। जी दोस्तों इसलिए आपको किसी दो व्यक्ति के बीच में जाकर फूट पैदा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर दोस्तों आप ये गलती किए हैं तो दोस्तों इनके लिए भी आप बहुत ही सरल उपाय है कि दोस्तों अगर आप ये गलती किए हैं तो आपको शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर सरसों के तेल को अर्पित करना चाहिए और भगवान शनिदेव कर्म फलदाता भगवान शनिदेव से आपको क्षमा प्रार्थी करना चाहिए कि हमसे जो भूल हुई है प्रभु हमें अभूत समझकर क्षमा कीजिएगा। दोस्तों इनसे आप शुभ के जीवन काल में फिर से बदलाव होंगी और जब भी आप मंदिर जाते हैं तो दोस्तों वहाँ पर बैठे जो भी लोग होते हैं दोस्तों उन्हें आप ज़रूरी कुछ ना कुछ दान पुण्य करके ही वापस आइएगा, क्योंकि दोस्तों मंदिर में बैठे जो भी भिखारी होते हैं उनके ऊपर भगवान शनिदेव का प्रकोप होता है, इसी के कारण वो लोग अपने जीवन काल में इतने परेशान रहते हैं। अपने जीवन काल में इतने सारे दुर्भाग्य को देखते हुए मंदिर की श्रेणियों में भीख मांगते हैं। तो दोस्तों अगर आप वश में उनकी सहायता करते हैं, उनको कुछ दान पुण्य करते हैं, भोजन कराते हैं तो दोस्तों इनसे भगवान शनिदेव प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनके प्रकोप उन्हीं के साथ है और भगवान शनिदेव आपके अच्छे कर्मों को देकर आपको दोस्तों अच्छा फल देंगे, आपकी गलतियों को क्षमा करेंगे, आपके जीवन काल में जो भी दुर्भाग्य उन्हें सौभाग्य में बदलकर फिर से आप शुभ के जीवन काल में खुशियों की नई लहर को देंगे। जी दोस्तों इन सभी बातों को आपको अपने जीवन काल में ध्यान रखना है और ध्यान रखने की आपको बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दोस्तों गलती हर एक इंसान से होती है, लेकिन दोस्तों वो इंसान गलत नहीं होता जो समय के साथ गलतियों को सुधारने की कोशिश करे। दोस्तों गलत वो इंसान होता है जो दोस्तों कभी अच्छा करने की नहीं सोचते, हमेशा गलत धारणाएं अपने मन में रखते हैं, लोगों को ठगने के बारे में सोचते रहते हैं। दोस्तों वो आगे चलकर कभी अपने जीवनकाल में खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आज उनके जीवनकाल में पेशे हैं ये बात याद रखिए, लेकिन दोस्तों आने वाले समय में उनको भी भगवान शनिदेव के कर्मों का फल को झेलना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों ज्योतिषियों की माने तो दोस्तों जो भी लोग ऐसे पेशे कमा रहे हैं, जो भी लोग चोरी किए हुए वस्तुओं को पहनते हैं या फिर चोरी करते हैं, इस प्रकार के ठगी करते हैं, दोस्तों उनके जीवनकाल में उनका भाग्य बिल्कुल भी उनका साथ नहीं देता है। जी दोस्तों भले उनके जीवनकाल में पेशे आ जाए, लेकिन किसी ना किसी बहाने वो पेशे उनके हाथों से दोस्तों चला ही जाएगा। जी हाँ दोस्तों तो दोस्तों ये भी दुर्भाग्य का एक बहुत ही बड़ा कारण है। जी हाँ दोस्तों इन बातों को साथ साथ ध्यान रखें। साथ साथ दोस्तों कभी भी किसी के ठगे हुए चीज़ों को आप बिल्कुल ही ना लें। अगर कोई व्यक्ति ठगी किया है उसके साथ आप मिलकर उस चीज़ों को सस्ते दाम में खरीद रहे हैं तो दोस्तों एक प्रकार से ये भी आप उनमें शामिल होने का कार्य कर रहे हैं, यानी कि दोस्तों एक प्रकार से आप भी बुरे कर्म कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों अगर कोई व्यक्ति दो नंबर के कार्य करके आपको किसी भी चीज़ को सस्ते में दे रहा है, यानी एक प्रकार से कहें तो दोस्तों चोरी किया हुआ सामान को आपको सस्ते में दे रहा है और आप उन्हें ले रहे हैं तो दोस्तों इससे भी आपका भाग्य खराब हो जाएगा। दरअसल दोस्तों जो भी कपड़े आपको दे रहे हैं, दोस्तों कपड़े का जो कारक वह शुक्र का कारक होते हैं कपड़े, और दोस्तों चोरी की हुई वस्तु को पहनने से शुक्र ग्रह और माता लक्ष्मी दोनों ही रुष्ट हो जाती है, आपके जीवन काल में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको। जी दोस्तों ना कि खराब वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। जी दोस्तों अगर आपके पास अच्छे वस्त्र है और उसके बावजूद भी आप अच्छे वस्त्र नहीं पहनते हैं, गंदे मेले हुए वस्त्र को आप पहन लेते हैं, इससे भी दोस्तों व्यापक किस्मत खराब हो जाती है, यानी कि दोस्तों जो भी साधक होता है उनके जीवन काल में लगातार कुछ ना कुछ दिक्कतें अड़चने आती रहती है और दोस्तों उनकी किस्मत उनसे रूठ जाती है। जी दोस्तों अगर आप भी ऐसे कार्य किए हैं, गलती किए हैं तो दोस्तों इन्हीं से आपकी किस्मत आपसे रूठ गई है। दोस्तों इस बात को आपको विशेष ध्यान में रखना होगा, ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी भी नाराज हो जाती है और धन की हानि होते रहती है। साथ ही साथ अगला बात जिनका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, दोस्तों अगर आप पढ़ाई करते हैं तो दोस्तों अगर आप पढ़ाई नहीं भी करते हैं, अपने जीवन काल में आप शिक्षित व्यक्ति हैं तो दोस्तों अपना जो भी आपका कलम है जिससे आप
लिखते हैं, दोस्तों उनका दान किसी को भी नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों हम आपको बता दें कि ऐसा अगर आप कार्य करते हैं तो दोस्तों ये आपके लिए बुरा साबित होगा, इसलिए आपको धन संबंधित हानियाँ होने लगती है। इसलिए दोस्तों कलम का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतें और किसी को भी कलम ना दें। जी दोस्तों, अगर आप दे भी रहे हैं तो दोस्तों उस कलम को तुरंत ही वापस ले लें। हमेशा के लिए किसी को कलम देना दोस्तों नुकसानदायक होता है, इसलिए दोस्तों इस बात को आपको बिल्कुल ही ध्यान में रखना है। दोस्तों ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी दोस्तों, दोस्तों हम आपको बता दें कि आपकी जो राशि होती है वे सभी राशियों में कर्म प्रधान राशि मानी जाती है, इसलिए दोस्तों आप सभी को इस बातों का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है कि दोस्तों आप अपने जीवनकाल में स्त्रियों का सम्मान करें। घर में रहने वाली स्त्रियों का अपमान करने वाले कभी भी अपने जीवनकाल में अपने सौभाग्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जो भी ऐसा करते हैं उनके जीवनकाल में माता लक्ष्मी और उनके भाग्य दोनों ही रुठ जाती है और बहुत ही उनके जीवनकाल में समस्या आने लगती है। जी दोस्तों, प्राचीन काल से ही यह चीज़ प्रचलित है कि दोस्तों स्त्रियां घर में लक्ष्मी होती है, इसके लिए दोस्तों उसका सम्मान करना घर में खुशियां और बरकत के समान माना जाता है। तो दोस्तों आपको अपने जीवनकाल में अवश्य इन बातों का ध्यान रखना है कि घर की जो भी स्त्री हो, बाहर की जो भी कहीं की स्त्री हो, दोस्तों उनका अपमान भूल कर भी नहीं करना है। अगर आप उनका अपमान किए हैं तो दोस्तों दोबारा आप उनका सम्मान कीजिए, आदर कीजिए और साथ ही साथ उन्हें खुश करके ही आप जाइए। दोस्तों इससे आपके घर में खुशियाँ, बरकत और माता लक्ष्मी का वास होगा, वृद्धि रिद्धि सिद्धि सभी आपके जीवनकाल में होने लगेंगी। जी दोस्तों अगला जो चीज़ है, अगर आप कभी भी किसी से कर्ज लिए हैं तो दोस्तों उस पैसा को आप ज़रूरी चुकाएं। जी दोस्तों, अगर आप कर्ज लेने के समय आप झुक जाते हैं और पैसे देने के समय दोस्तों आप उसका पैसा हड़पना चाहते हैं तो दोस्तों ऐसा भूल कर भी आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी का पैसा लिए हैं तो दोस्तों जल्द ही जल्द आप इन्हें चुका दें, नहीं तो दोस्तों आप शिव को बता दें कि इनसे आप शिवी का इष्ट देव महादेव बिल्कुल ही क्रोधित हो जाते हैं। जी दोस्तों, आप शिव को बता दें कि आपकी राशि के जो इष्ट देवता होते हैं वो भगवान भोलेनाथ हैं और दोस्तों ये आपसे नाराज हो जाते हैं। अगर आपने ऐसा कभी किया है, किसी के हाथ से पैसा लिए हैं और दोस्तों अभी तक उनको पैसा नहीं दिए हैं तो दोस्तों याद कीजिए और याद करके आप उन्हें पैसा वापस कर दीजिए, वरना दोस्तों जो समस्याएं आपके जीवनकाल में चल रही है दोस्तों वो समस्याएं चलती ही रहेंगी। दोस्तों हमारी किस्मत खराब हो जाती है जब हमारे भगवान जी ही हमारे साथ अच्छे नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की बनाई हुई चीज़ों को बुरा कह देते हैं। भगवान के साथ रहने वाले ऐसे सभी जीव भगवान के ही कारक होते हैं। जिनको हमने नहीं बनाया दोस्तों, उसको किसने बनाया? उसको भगवान ने बनाया। ऐसी चीज़ों के साथ लड़ाई कर देना, ऐसी चीज़ों को मारना पीटना दोस्तों, इनसे हमारे साथ कभी भगवान खुश नहीं रहते हैं। जी दोस्तों, इनसे भी भगवान हमसे नाराज हो जाते हैं। चाहे दोस्तों आपके जीवनकाल की कोई भी चीज़ हो सकती है, गाय हो सकता है, भैंस हो सकता है, कोई भी जानवर हो सकता है, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, कुछ भी ऐसे चीज़ जिनको हमने नहीं बनाया दोस्तों, उसको भगवान ने बनाया। उनके साथ हमें कभी भी लड़ना नहीं चाहिए, उनको मारना पीटना कभी भी नहीं चाहिए। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि ऐसा करना आप सभी के घर में दुर्भाग्य के लाने के बराबर है। जी दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बता दें कि आप सभी का जो स्वभाव होता है कभी भी दोस्तों किसी के साथ छल करने का नहीं होता है, लेकिन दोस्तों अगर आप कभी भी अपने जीवनकाल में ऐसा गलती करते हैं, ऐसा कभी भूल करते हैं, जब आपके मस्तिष्क में बहुत सारी गलत धारणाएं होती है, अगर आप ऐसे में जाने जाने में ऐसी गलती किए हैं तो दोस्तों आपको ईश्वर से क्षमा मांगना है। जी दोस्तों, और दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों आप शिव को बता दें कि मन ही मन आपको ईश्वर से क्षमा मांगना है और दोस्तों ईश्वर आपको क्षमा अगर करेंगे तो दोस्तों आपके ग्रहों की जो स्थिति होगी उनमें बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे और जीवनकाल में सारी समस्याएँ खत्म होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप शिव को बता दें कि आपके जीवनकाल में अभी जो ग्रहों की स्थिति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बन रही है और दोस्तों ग्रहों की स्थिति आपके साथ महत्वपूर्ण होने से कल से आप सभी के जीवनकाल में कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है उसके भी बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों ऊपर जो भी हम चीज़ आप सभी को बताए हैं
अगर दोस्तों उनमें से कोई भी गलती आप किए हैं तो दोस्तों आप सभी को बिल्कुल ही अपने जुनकाल में ईश्वर से क्षमा मांगना है और दोस्तों ईश्वर के प्रति आपको हमेशा बिल्कुल ही विश्वासी बनकर रहना। दोस्तों कभी भी अपने दिल में आप ऐसा मत सोचिएगा कि दोस्तों ईश्वर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि आप सभी के जितने भी जातक हैं ईश्वर पर अटूट विश्वास करते हैं दोस्तों, लेकिन कभी कभार बोले दोस्तों गलत धारणाएं की वजह से, गलत संगत की वजह से जीवन काल में बहुत सारी परेशानियां होती है। जी हाँ दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं कि कल से आप सभी के जीवन काल में कौन कौन सी खुशखबरी आप सभी को प्राप्त होने वाली है, कौन कौन सी समस्या आप सभी के जीवन काल में खत्म होने वाली है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि कल से आप सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। जो भी आपने गलतियां किया है दोस्तों उनको आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ दोस्तों कल से आपके सभी के जीवन काल में ग्रहों की क्या स्थिति बनने वाली है हम आपको आगे बताने वाले हैं। साथ ही कौन सी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, कौन सी जीवन काल के आपके हुए सपने सच होने वाले हैं कल से, तो आए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपके जीवन काल में अभी जो ग्रहों की स्थिति है, कल से आप सभी के जीवन काल में धनयोग, राजयोग और सुख समृद्धि योग का भी निर्माण होगा। जी दोस्तों, जिनके कारण माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ का भी असीम आशीर्वाद आप सभी के साथ रहने वाले हैं। जी दोस्तों, और यश में आप सभी को बता दें कि जो भी आपकी तमन्नाएं हैं, जो भी आपकी इच्छाएं वो पूरी होने वाली हैं। बशर्ते दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपको अपने घर में बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करना है। उन सभी का आशीर्वाद आपको अपने जीवन काल में अब करनी है। जो भी आपने गलतियाँ किया है दोस्तों, वे आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर आप अच्छे कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। दोस्तों कल से आप सभी के जीवन काल में एक नए जीवन शुरू होने वाली है। कि दोस्तों आप सभी को बता दें कि यश में महालक्ष्मी नाम का शुभ योग का निर्माण हुआ है, सर्वार सिद्धि नाम का भी महायोग का निर्माण हुआ है, जिनके कारण दोस्तों गुरु और शुक्र की स्थिति से दोस्तों यशमय आप सभी के जीवन काल में सुख समृद्धि नाम के भी योग का निर्माण हुआ है, जिनके कारण दोस्तों यशमय घर परिवार का माहौल बहुत ही अच्छा रहेगा। आप जो भी कार्य करेंगे दोस्तों वो आपके लिए सफलतापूर्वक रहेगा, आपका मन यश में प्रफुल्लित रहेगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि यश में आप किसी भी समारोह में अपना नाम बढ़ा सकते हैं, मान सम्मान बढ़ा सकते हैं। यश में ग्रहों की स्थिति बहुत ही प्रबल है आप सभी के लिए। दोस्तों आपको यश में ग्रहों का पूरा ही पूरा साथ मिलेगा। दोस्तों कल से आप सभी का वक्त बहुत ही अच्छा रहने वाले हैं। संतान संबंधी जैसे कि विवाह, नौकरी इत्यादि दोस्तों इससे अगर आप योजना बना रहे हैं तो दोस्तों आप सभी की योजनाएं सफल होंगी, मेहमानों की आवाज़ आ ही रहेगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो समय है आप सभी के लिए समय बहुत ही गतिपूर्ण रहेगा। ग्रह नक्षत्रों की जो चाल रहेगी दोस्तों उनका शुभ प्रभाव आप सभी के ऊपर पड़ेगा, आपके पक्ष में ये समय रहेगा। जी दोस्तों यश में दोस्तों आपके पिछले जो भी समस्याएं आपके जीवन काल में चल रहे थे, जिनसे आप बहुत ही परेशान थे दोस्तों, वो समस्याएं कल से खत्म होंगी और परिवार संबंधी जो भी समस्याएं हैं दोस्तों वे सभी समाप्त होंगी। घर परिवार का माहौल यश में अच्छा रहेगा। घर परिवार का सहयोग से आपने जीवन काल में तरक्की के नए स्तर तक जाने वाले हैं। जी दोस्तों लाभ के नए मौके यश में आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों साथ ही साथ हम आपको बता दें कि यश में आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना होगा, जैसे कि दोस्तों आपको किसी के भी ऊपर अब व्यापार में आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना। व्यापार में ही नहीं दोस्तों, जिस भी क्षेत्र में आप कार्य करते हैं उस क्षेत्र में भी आपको आंख मूंद पर भरोसा नहीं करना है, वरना दोस्तों आप शिव को बता दें कि आपको हानि निश्चित है। जी दोस्तों इससे आपको हानि पहुंचेगी, इसलिए दोस्तों आप जिस भी क्षेत्र में जाते हैं दोस्तों वहां पर आपको किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना हो, चाहे वो दोस्तों किसी के साथ रिश्ते की बात हो, धन लेन देन की बात हो, सभी में दोस्तों आपको सावधानी पूर्वक ही कार्य करना है। घर परिवार के सदस्य को मालूम होना चाहिए कि दोस्तों आप पेशा अगर किसी को दे रहे हैं तो दोस्तों किसको दे रहे हैं। चोरी छुपे पैसे किसी को आप ना दें दोस्तों, ऐसे में ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, इसलिए दोस्तों ये इस पर आप ध्यान रखें। शायद दोस्तों अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, मकान वाहन खरीदने की जो भी आपके सपने थे दोस्तों, अब वो सब सच होने वाले हैं। आप नए मकान वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपको इस बात की जानकारी दे दें कि दोस्तों ये जो समय है आपकी राशि के लिए विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और यश में बस आपको क्या करना है कि अपने गुस्से पर, अपने जो भी अभद्र स्वभाव है दोस्तों, इन पर आपको नियंत्रण रखना होगा। दोस्तों आवेश में आकर, जोश में आकर कोई भी आप गलती ना करें दोस्तों, अन्यथा आप सभी को समय नुकसान भी दे सकता है। जी दोस्तों गुस्से पर आपको अपने आवेश पर
नियंत्रण रखना, गुस्से को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दोस्तों इन बातों का आप ध्यान रखें। यश में जो लोग नौकरी प्राप्ति रोजगार के लिए भटक रहे थे, दोस्तों उन सभी को अच्छी नौकरी की प्राप्ति होगी। मन चाहा रोजगार यश में आपको मिलेगा। दोस्तों मन और घर परिवार यश में आपका भरपूर खुश रहेगा। हम आप सभी को बता दें कि धन लाभ के कुछ ऐसे अवसर आप सभी को प्राप्त होंगे जिनसे आप अपने आर्थिक स्थिति को बिल्कुल ही बदल सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यश में आप बेफिजूल के खर्चों से आपको बचना होगा, संतुलित बजट को आपको बनाकर रखना होगा। जी दोस्तों आप सभी को बता दें कि यदि कोई संबंधी कोई भी मामला है तो दोस्तों उनमें सुधार आएगा और जो भी पक्ष है वो आपके ही पक्ष में आएगा। जी दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आप जो भी कार्य करें दोस्तों बिल्कुल ही एक नंबर का कार्य हो, जो भी कार्य करें उनका सारे कागजात साथ हो। कोई भी आपको ऐसा शत्रु है जो फंसाने की हमेशा कोशिश करता है तो दोस्तों ऐसी गलती आपको नहीं करने की, आप फंस जाए, हमेशा सारे कागजात साथ रखें ताकि आप किसी के भी नज़रों में बुरी ना बने। जी दोस्तों शादी शाह हम आपको बता दें, शादी शाह दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों की जो चाल है वो आपके साथ है। बस आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है और अपने जीवन काल में जो भी सफलताएं आ रही है उनका बस आपको लाभ उठाना है। जी दोस्तों अगर आप ऐसा करेंगे तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपकी तरक्की देखकर यश में आपके आस पड़ोस के लोग जलने वाले हैं। और दोस्तों इनसे बचने का बस यही एक सरल उपाय है कि आप अपने कार्य के प्रति लगाव रखें, किसी की भी बातों में, किसी के भी बहकावों में बिल्कुल ही ना आए, किसी पर भी विश्वास करके आप कोई भी कार्य ना करें, वरना दोस्तों आपको हानि हो सकती है। जी दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यश में आपको श्वास को लेकर थोड़ा सा सचेत रहना होगा, खान पान पर ध्यान देना होगा। दोस्तों कोई आपको एलर्जी हो सकती है जो कि दोस्तों आपको थोड़ा सा श्वास को लेकर परेशानियाँ देखने को मिल सकती है, इसलिए दोस्तों यश में आप खान पान को लेकर थोड़ा सावधान रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। संतान की शिक्षा, करियर संबंधी जो भी गतिविधियाँ हैं यश में वो आपका साथ देगा। कुल मिलाकर कहें तो दोस्तों यश में आपका घर का माहौल, बच्चों को लेकर समस्याएं जो भी थी वो सभी समाप्त होंगी और घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। परिवार में सभी लोग आपस में मिलजुल कर चलेंगे तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा यश में। जी हाँ दोस्तों आपके अच्छे व्यवहार के प्रति आपको यश में बहुत सारे ऐसे कार्य मिलने वाले हैं जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जी हाँ दोस्तों तो दोस्तों ये थी आपके जीवन काल में एक नए दौर की शुरुआत। दोस्तों जो भी आपने गलतियाँ किया था उन सभी के ही बारे में हम बात किए हैं। साथ ही साथ दोस्तों कल से आप शुभ के जीवन काल में जो ग्रहों की स्थिति बनी है, जो खुशखबरी आपको मिलने वाली थी दोस्तों सभी के बारे में हमने आपको बताए हैं। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई लेकिन दोस्तों अगर आप अंत तक देखें तो दोस्तों आपको भी पता होगा कि वीडियो में बहुत सारी समय लगे हैं जो कि दोस्तों आपके समय को अच्छे बना सके, समय लगा लेकिन दोस्तों आपके जीवन काल को बेहतर बना सके, उनसे दोस्तों हमारा ये मेहनत सफल हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।